गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज का लेक्चर थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। आज हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो आपको बायो के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम को देने से पहले पता होनी चाहिए। उसमें है ये बायो के सारे चैप्टर्स, डिलेटेड चैप्टर्स को हटा के और उनकी वेटेज क्या क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा पहले करना चाहिए, तो शायद आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। सो, आपको पहले वेटेज पता होनी चाहिए हर एक चैप्टर की। और उससे भी जरूरी बात जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं हर एक सब्जेक्ट के ऐसे वीडियो डालूंगी कि भाई वो चैप्टर उसकी वेटेज, उसमें से कितने 1 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे, कितने 5 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे, ये सब कुछ हर एक सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और कुछ बच्चे कमेंट करें कि हमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के दो या फिर एमसीक्यूज वगैरह डालो, तो फिर वो मैं इसके बाद में डालूंगी। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं और किस चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, तो शायद आप उतना अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। इसीलिए पहले सभी की इंपॉर्टेंट जो वेटेज है चैप्टर्स की, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी और किस में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ये बताया जाएगा। उसके बाद में आपको मैं हर एक चीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी। सो, अगर आप और कुछ चाहते हैं कि हमें ये भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। चलो, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड में कुछ अलग सा सरप्राइज दूंगी। दैट इज कि आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 15 इन्हीं में से 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, सो 5 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे और वो चैप्टर 5 और चैप्टर 15 में से ही आएंगे। और एंड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर 2 जो है, आप, मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 में से जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 में से 1 भी नहीं आएगा। इसमें से आपको सिर्फ 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, इसमें से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। सो बी अलर्ट, इसमें कहीं आप छोटे क्वेश्चन बनाते रहो और बड़े क्वेश्चन करो ही ना, तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें भी आपके 2 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देन चैप्टर 5 वेरी मच इम्पोर्टेंट, इसमें से 5 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मत सोचना कि 10 मार्क्स का है तो इसमें से 5-5 के क्वेश्चन आ जाएंगे, नो वे। इसमें से सिर्फ और सिर्फ छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्क्स के तो छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसकी प्रिपरेशन ना करें तो अच्छा है। देन चैप्टर नंबर 6, इसमें से 5 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। देन चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें से 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। देन चैप्टर नंबर 10, इसमें से भी 5 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड चैप्टर नंबर 11, इसमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, इसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और चैप्टर 15, इसमें से 1 क्वेश्चन आ रहा है। और ये देखो जो चैप्टर नंबर 15 है, इसमें से 1 बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का और 1 छोटा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। तो अगर आपको ये पहले से पता होगा तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी आप जो मैं शो कर रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैंने लिखा है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं, 3 एंड 15, और 1 मार्क्स के किस किस में से आ रहे हैं, 2, 4, 5, सारे चैप्टर लिखे हैं उनके जो ब्रैकेट में लिखा है, ये शो कर रहा है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले छोटे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 10, 11 इनमें से, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 मार्क्स के सिर्फ इन 2 चैप्टर में से करने हैं। सो ये अगर आपको पहले से पता होगा तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। एंड हर एक सब्जेक्ट की ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप कुछ चाहते हैं देन प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।